क्या निकल पाएगी? मे बी। सो भैया ऑफ रोड। अरे बाप रे, क्या बात है भाई, ये तो सही है। What's up people, good morning, welcome back to the channel guys, welcome back to the new fresh video with a new fresh vlog. अरे बाप रे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया यार। सो जी स्वागत है गाइज आपका एक और नए दिन में, एक और नए फ्रेश वीडियो में गाइज। और यहाँ पर कैसे, अरे अंकल, अरे बाप रे अंकल, तो इतने गुस्से में ऐसे देख रहे हैं रे, हाँ जबकि गलती उन्हीं की है। एकदम से सडन लेना यार, लोग ना इतने ज़्यादा, मतलब इतनी जल्दी है ना सब लोगों को यार, इतनी ज़्यादा जल्दी। वो लोग ये नहीं देखते कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बस निकालने से मतलब है ना, इधर देखना ना उधर देखना, भैया बस निकालना है अपनी गाड़ी को सबसे पहले, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो। भैया लोग ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है उन लोगों में। और बाकी गाइज वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक वीडियो को कर दीजिए। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने भाई के चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि आप सपोर्ट दिखाते हो ना तभी इतना ज़्यादा मोटिवेशन फील होता ना। और ये मोटिवेशन ना बरकरार करके रखिए यार, बरकरार। तो आने वाला टाइम में वही करेंगे एक बढ़िया सी राइड अपनी KTM RC 200 के साथ, और बेसब्री से उस पल का इंतज़ार है कि अपने KTM RC को एक लॉन्ग रूट पे लेके चलेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को आई टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये उसी बेसब्री से इंतज़ार में बैठी है कि कब ये हमको एक बढ़िया सा राइड रिव्यू दिखाया। लेकिन यार अभी ना इसका एवरेज इतना ज़्यादा खास नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी। अरे यार रास्ता बंद है क्या, निकल जाएगी अपनी गाड़ी या नहीं निकलेगी, अब तो ये देखना पड़ेगा। ये टास्क है भाई अपने लिए टास्क, क्या निकल पाएगी? मे बी। सो भैया ऑफ रोड। अरे बाप रे, क्या बात है भाई, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली हिसाब हो गई यार। सो फाइनली भैया निकाल दी हमने गाइज, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाला रास्ता हुआ हुआ था। तो मैं तो ये सोचा था कि मैंने कहा यार ये लग लुगा ना जाए नीचे की साइड, और अगर नीचे की साइड लग जाती ना तो अपनी फेयरिंग में ना प्रॉब्लम आ जाती। भैया ये होती है रोड, और इस रोड पे जो अपनी बाइक जो पावर दिखाती है ना वो कमाल है यार, बहुत ज़्यादा कमाल। और मैं बात कर रहा था कि अभी अपनी बाइक ना यार बहुत ज़्यादा कम एवरेज प्रोवाइड करवा रही है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 35 का भी नहीं दे रही है, 30 31 का एवरेज निकाल के दे रही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा कम है यार। सो अभी मैं एवरेज के हिसाब से ही देख रहा था, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा कम एवरेज निकाल के दे रही है यार। इतना एवरेज कम निकाल के नहीं देना चाहिए यार इस बाइक को, अब क्यों इतना कम एवरेज अपने को, भैया इतना कम एवरेज नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा मतलब 35 या 40 का निकाल के देना तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब है, क्योंकि अपना फर्स्ट सर्विस जो है ना, अपनी फर्स्ट सर्विस डन हो चुकी है यार, और फर्स्ट सर्विस डन होने के बाद थोड़ा सा तो एवरेज में मतलब बदलाव तो आना चाहिए था यार। अब क्यों इतना ज़्यादा कम एवरेज दे रही है, और जबकि ये चीज़ मैंने हाईवे पर टेस्ट की थी यार, हाईवे पे ना इतना ज़्यादा इतना कम एवरेज तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी।
सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना एवरेज मेरे को ये प्रोवाइड करा रही थी। एज़ यू कैन सी आप 30 का एवरेज इसमें देख सकते हैं यार, 30 बहुत कम एवरेज है यार, बहुत ज़्यादा कम, मतलब मेरे हिसाब से तो देखो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि भैया डेली बेसिस पे अगर बाइक चला रहे हो ना, कम से कम 30 प्लस 35 प्लस तो एवरेज देना चाहिए, और तभी ज़्यादा पता चलेगा माइलेज का हिसाब क्या है। सो 40 उस टाइम पे तो ये मे बी 37-39 के आसपास निकाल के दे रहा था, दे रही थी एवरेज है यार, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा हिसाब हो रहा है। सो बाकी गाइज वीडियो अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर गाइज फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और भाई के चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ यार, आपके सपोर्ट की आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो गाइज वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।